हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बिहारी स्टाइल में बनने वाली काले चने की ऐसी सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे खा के आप बाकी के सभी चने की सब्जी भूल जाएंगे और इसे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए ये बहुत ही ज़्यादा तीखी चटपटी मज़ेदार काले चने की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम काले चने को अच्छी तरह से धोकर उसे रात भर के लिए भिगो दिया था। फिर उसे मैंने एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और फिर मैंने इसमें 3 बड़े साइज के आलू ऐड कर दिए हैं और साथ में इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 से 2 तेज़पत्ता और पानी ऐड करके इसे 9 से 10 व्हिसल लगा लिया है और फिर कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया है। चने उबालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखिए, चने एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने चने को अलग निकाल कर रख दिया है और उसका पानी अलग रख दिया है। जो आलू मैंने उबाला है उसे भी छील कर हाथों से मोटे मोटे टुकड़े में क्रश करके एक साइड में रख दिया है। ये देखिए, जो पानी जिसमें मैंने चने उबाले थे उसे भी साइड में निकाल कर रख दिया है। अब मैंने एक मिक्सी के जार में 3 बड़े साइज के टमाटर, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी उबले हुए चने ऐड करके उसका एक पेस्ट बना लिया है। अब कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। आप चाहे तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन इस सब्जी में थोड़ा सा रोगन ऊपर आ जाता है तो सब्जी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें मैंने सरसों का तेल यूज़ किया। आप चाहे तो दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ही सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जैसे कि 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, छोटा पीस दालचीनी का और 3 से 4 लौंग। अब इन सभी मसालों को जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें ऐड कर देंगे और उसे थोड़ा सा चटकने देंगे। जब मसाले अच्छी तरह से चटक जाए तब मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए 3 बड़े साइज का प्याज ऐड कर दिया है। अगर मीडियम साइज का प्याज है तो आप 4 ले लें। अब प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। अब यहाँ पर एक कटोरी में मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ में सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें 2 टेबलस्पून मीट मसाला। अगर आपके पास मीट मसाला नहीं है तो आप चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो छोले मसाले ऐड कर दें। ये ऐड करने से इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। मैंने इसमें पानी ऐड करके इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके भी उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फिर मसालों को 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर देखिए, प्याज अच्छी तरह से भून गया है। अब जो मसाले हमने तैयार करके रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए ढककर ऑयल सेपरेट होने तक इसे कुक कर लेंगे। देखिए, मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून गए हैं। अब जो टमाटर और चने वाला पेस्ट है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, साथ में थोड़ा सा पानी और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से पकाना है। इसे भी मैंने ढककर ऑयल रिलीज होने तक अच्छी तरह से पका लिया है। अब उसमें जो उबले हुए चने हैं उसे ऐड कर देना है और इसे भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कम से कम 5 मिनट के लिए उन्हें मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर बॉयल किया हुआ आलू ऐड कर देंगे और जो उबले हुए चने का पानी है वो भी ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक कर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से इन्हें कुक कर लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से ये कुक हो गया है, ऑयल भी ऊपर दिखाई देने लगा है। आखिर में मैंने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर,
थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ अदरक के लच्छे और 3 से 4 हरी मिर्च को बीच से काट कर ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढका रहने देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा और मज़ेदार चने की सब्जी बनकर रेडी है। ये बिहारी चना अगर एक बार आपने चख लिया तो फिर सारे चने खाना भूल जाएंगे। स्पाइसी तीखी चटपटी काले चने की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और अपने चैनल ईट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।